मेजर फिल्म हो या ट्रिपल चार्ली, 777 चार्ली, ये सब बॉलीवुड के गलियारों में शोर मचाने लगे हैं। बेहतर कंटेंट की बुनियाद पर ये सब हिंदी मार्केट में चल रहे हैं और 777 चार्ली के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कल कर्नाटक के सीएम ने भी अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ ये फिल्म देखी और मेरा बस यही कहना है या यही रिक्वेस्ट है कि 777 चार्ली को जल्द से जल्द टैक्स फ्री कर दिया जाए अक्रॉस इंडिया और इसको जो ये फिल्म डिजर्व करती है उतने स्किन्स दिए जाए। इसके पहले मैं फिफ्थ डे के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस बताऊं, वो भी 777 चार्ली के। मैं आपको अभी तक के इसे कुछ कलेक्शंस अपडेट बताना चाहता हूं। पहले तीन दिनों में इसे कितनी कमाई की वो बताना चाहूंगा, उसके बाद बाकी चीजें मैं इस फिल्म से जुड़ी हुई बताना चाहूंगा। 777 चार्ली ने तीन दिनों में 24.15 करोड़ तक का नेट कलेक्शंस किया 24 करोड़ के ऊपर का, 28.3 करोड़ तक का ग्रॉस कलेक्शंस किया 28 करोड़ के ऊपर का ग्रॉस कलेक्शंस हुआ 28 करोड़, और ओवरसीज मार्केट में इसने 3.7 करोड़ तक का कलेक्शंस किया पहले तीन दिनों में। टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस 32 करोड़ हो चुका है, यानी कि चार दिन का टोटल अगर हम जोड़ा जाए वर्ल्ड वाइड तो वो 40 करोड़ के आसपास होगा। और हिंदी मार्केट की बात करें तो हिंदी मार्केट में पहले तीन दिनों में जो अपडेटेड कलेक्शंस आया है वो 1.50 करोड़ आया है, 1 करोड़ 50 लाख, यानी कि किसी भी हाल में इस फिल्म ने संडे को 80 लाख के आसपास की कमाई की है। अब फोर्थ डे की बात करें यानी कि 777 चार्ली के हिंदी वर्जन की, तो कुछ नहीं तो मान लीजिए इसने 30 लाख की कम से कम कमाई की होगी और टोटल इसका कलेक्शंस पहुंचा दिया होगा 777 चार्ली का हिंदी वर्जन का 1.80 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख। और आज मंगलवार है और आज ये फिल्म 20 से 40 लाख तक का कलेक्शंस कर सकती है इस रेंज में प्रेडिक्शंस, और 20 से 40 लाख का अगर कलेक्शंस होता है तो इसका कलेक्शंस टोटल हो जाएगा 2 करोड़ से 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ से 2 करोड़ 20 लाख की बेहतर कलेक्शंस होगा। और बहुत कमाल का ये कलेक्शंस चल रहा है और मुझे बहुत खुशी है 777 चार्ली की जो मेहनत है वो रंग ला रही है, एक बेहतर फिल्म है, कमाल की फिल्म है। देखिए आज के दौर में मुझे नहीं लगता है हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा पब्लिक को लैंग्वेज से मैटर करता है, अगर आप सही तरह से फिल्म डब कर रहे हो और पब्लिक पैसा देख रहे हो उन्हें वो फिल्म पसंद आ रही तो वो फिल्म पब्लिक देखेगी। आजकल हिंदी साउथ तमिल तेलुगु ऐसा कुछ रहा नहीं है, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कैसा लोगों को लगता है कि हिंदी फिल्म साउथ में चलती, ऐसा नहीं है। अगर बेहतर फिल्म हो, अच्छी फिल्म हो तो क्यों नहीं ऑडियंस साउथ में देखेगी, और साउथ की बेहतर फिल्म हो, अच्छी फिल्म हो तो क्यों नहीं ऑडियंस नॉर्थ में देखेगी। तो नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ बचा नहीं है, लैंग्वेज डिफरेंस वगैरह जो भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिनेमा हैज नो लैंग्वेज बैरियर एंड नो बाउंड्रीज। अच्छी फिल्म होगी तो वो इजिप्ट में भी चलेगी, वो इसराइल में भी चलेगी, वो इटली में भी चलेगी, वो यूएसए में भी चलेगी। सो 777 चार्ली का मेरा फिफ्थ डे का प्रेडिक्शन है 20 से 40 लाख। आपकी क्या राय है जरूर बताएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी कि मेजर फिल्म भी अच्छा कमाल कर रही है, वो ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है इन 10 से 11 दिनों में हिंदी मार्केट में। तो हिंदी मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है साउथ फिल्मों को, विक्रम थोड़ा लो रही है लेकिन ये फिल्म 777 चार्ली को लोग पसंद कर रहे हैं। आज भी शोज बढ़ाए गए हैं, मैं देख रहा था जहां पे गीटी में एक ही शो दिया गया था वो बड़ी मुश्किल से इसे संडे को, अब तक 2 शोज दे दिए गए हैं, ये अच्छी खासी बात है गीटी गैलेक्सी में। चलिए फिल्म कितना है।